हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने क्लास 11th के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज अपने स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स का तीसरा पार्ट, चैप्टर 0 का थर्ड पार्ट, वो है लॉगरिथम। बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी हमें, बहुत ज़्यादा आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में कंटिन्यूसली इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छी तरह से आज के टॉपिक को समझिए, जितनी ज़रूरत हमें होगी उतना ही हम पढ़ेंगे इसको। एक्स्ट्रा हम ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करेंगे, जितने से हमारा काम चलेगा उतना ही डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आओ शुरू करते हैं नई वीडियो। लॉगरिथम के बारे में बातें करेंगे बहुत सारी और प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक मैथ्स का जो अगला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लॉग। बेसिकली एक फंक्शन होता है, जैसे आपने साइन कोस टेन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, वैसे एक फंक्शन है लॉगरिथम भी, जो आपको अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करता है अलग अलग डाटा इंटरप्रिटेशन में। डाटा एनालिसिस के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ये ईजी कर देता है। खैर, हमें जो चीज़ें पढ़नी है हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लॉग बेसिकली दो तरह का यूज़ किया जाता है बेस के हिसाब से। एक होता है बच्चों लॉग विद बेस E, ठीक है। E भी एक फंक्शन है जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, हमें उसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूर उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन फिजिक्स में आपको बहुत कम जरूरत पड़ती है, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए E इज एक्सपोनेंशियल, दैट्स इट, उससे काम चल जाता है। तो लॉग विद बेस E, इसको बच्चों अपने लिखते हैं ऐसे, लॉग E ऐसे लिख देते हैं, लॉग E, ठीक है। या बच्चों इसको क्या लिखा जाता है, ln भी लिख देते हैं कई बार। लॉग ई का मतलब ही क्या, आप कई बार बुक्स के अंदर लिखा देखते हो, ln का मतलब है लॉग ई, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वांटिटी ए है तो लॉग ई ए या ln ए, कोई भी नंबर है जैसे 2, 3, 4, 5, तो लॉग ई 2 और या ln 2, उसको ऐसे लिख सकते हो। दूसरा लॉग होता है बच्चों लॉग विद बेस 10, ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो, बस बेस बदलना है, जैसे यहाँ पे ई था वैसे log 10a, इसको हम ln नहीं लिख सकते। ln का अपने आप ही मतलब क्या होता है, log with base, इसको आप log 10a ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि log को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर बेस e है तो ln a, ज्यादातर फिजिक्स में आपको बच्चों ये देखने को मिलेगा, ln a देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ln की टर्म्स में ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमने डिफरेंशिएशन में भी जो फॉर्मूला देखा था 1/x का ln x, मैं ln बोल रहा था ना, ln का मतलब ये था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप e को 10 में या 10 को e में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों बेस के बीच में क्या रिलेशन क्या होता है दोनों बेसिस के बीच में, आओ वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास ln बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है, मान लीजिए आपको ln a फाइंड आउट करना है, तो बच्चों को होता है 2.203 into log 10a ऐसे, या इसको आप log ea equal to 2.303 log 10a लिख सकते हैं। This is the formula। अगर हमें log 10a base पता है तो हम ln की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर इसकी वैल्यू पता है इसकी कर सकते हो, और इसकी वैल्यू अगर पता है तो इसकी फाइंड आउट कर सकते हो, समझ गए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, e को log विद बेस e को 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज द थिंग जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कुछ वैल्यूज हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी, फिर उनकी ट्रिक भी देखेंगे। जैसे बच्चों log 10(2) आपको लर्न करना पड़ेगा, log 10(3) आपको लर्न करना पड़ेगा, log 10(5) आपको लर्न करना पड़ेगा, और log 10(7) आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इनके अलावा बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू आती है, लाइक log 10(8) आ गया, या log 10(11) आ गया, या log 10(13) आ गया, तो वो आपको पेपर में गिवन होगी, वो जब भी आपके एग्जाम में आएगा ना तो साइड में लिखा होगा कि इसकी वैल्यू इतनी है। जो नहीं गिवन हो सकती वो ये है, ये तो इनको हम लर्न करेंगे, कुछ वैल्यूज हम निकालना भी सीख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें क्या लर्न करना है, हमें ये चार वैल्यूज लर्न करनी है। कैसे लर्न करनी है, इनकी वैल्यू होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 0.3010, इसकी होती है 0.4771, इतनी लर्न नहीं करनी तुम्हें, इसकी होती है 0.69 के आसपास, और बच्चों इसकी होती है 0.80 के आसपास। तुम्हें इतनी लर्न नहीं करनी कि एग्जैक्ट लर्न करना है, तुम्हारा किससे काम चल जाएगा, देखिए
इसको तुम 0.3 लर्न कर लो, LN3 को 0.5 लर्न कर लो, LN5 को 0.7 लर्न कर लो, और इसको आप ऐसे 0.84 होता है तो आप इसको 0.8 या 0.9 आपकी मर्जी है इस तरह से लर्न कर सकते हो। सीधा लर्न कर लो कि log2.3, log3.5, log5.7, log7.9, समझ गए? सीधा ही लर्न कर लो। एक बार आपको ये वैल्यूज पता लग गई, 10 बेस पता लग गया, तो क्या ln निकाल सकते हो? बिल्कुल, 2.303 से मल्टीप्लाई करते चलो, 2.303 से मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ, ये आपको समझ आया, ये वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए मेरे को LN2 की वैल्यू निकालनी है, LN2 इतना यूज होता है ना फिजिक्स के अंदर जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो LN2 को आप याद ही रख लो, मैं फाइंड आउट करके भी बता देता हूँ। मान लो मेरे को LN2 निकालने के लिए बोला गया, तो 2.303 log10 2, ठीक है, log10 2 की वैल्यू भी मैंने बोला कितनी है, आप पूरा लर्न करना पूरा कीजिए, जितना करना है कीजिए। ये बच्चों आप याद रख लेना, LN2 होता है 0.693, बहुत यूज आता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत यूज आता है। बाकी LN भी आप निकाल सकते हैं, LN3, LN5, LN7, आपको समझ आ चुकी है चीज में क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर? तो ये तो होगी लॉग की वैल्यूज निकालने की बात। अब लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, लॉग के फॉर्मूले क्या है? वैसे तो देखिए बहुत फॉर्मूले हैं लॉग के, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, हमें बस 3 फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है। हमें 3 बेसिक फॉर्मूले चाहिए जो हमारी पूरी फिजिक्स को बड़ा इजी बना देंगे। हम उन बस 3 फॉर्मूलाज की बात करने वाले हैं। आपको बेस का पता लग गया, बेस चेंज कैसे करते हैं ये भी पता लग गया, ई में है तो 10 में कैसे लेके जाओगे, 10 में है तो ई में कैसे लेके जाओगे, 2.303 का यूज करके लेके जाओगे। वैल्यूज आपको पता लग चुकी हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो लॉग की जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, या मैं कह दूं कि जो फॉर्मूला नंबर 1 है, देखिए प्रॉपर्टीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये लॉग 10 बेस पे भी वैलिड है, लॉग ई बेस पे भी वैलिड है। तो अब जिस मर्जी के लिए समझ लो, आप यूज इसको दोनों में कर सकते हो। जैसे हम एलएन की ही बात करते हैं, लॉग बेस ई की ही बात करते हैं, मान लीजिए बच्चों आपको बोला गया कि लॉग ई एम, एम कोई नंबर है, 2, 3, 4, 5 कोई फंक्शन है, ABCD कुछ भी है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, एंड लॉग ई एन, उसी तरह एन भी कोई नंबर है, ABCD कोई वैल्यू है, कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है, 3, 4, 5 जो भी है यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है कोई भी, ठीक है। तो लॉग एम प्लस लॉग एन, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं, ln m प्लस ln n। तो बच्चों जब भी आपको ये दिखता है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें जो याद रखना है वो होता है ln mn, mn मल्टीप्लाई करके ln mn, ठीक है, ln mn या log mn। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि log 10 बेस 2, मैंने बोला ना e और 10 दोनों पे वैलिड है, log 10 3, इसका इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप log 10 6 लिख सकते हैं, ऐसे, समझ गए, 2 × 3 6 लिख सकते हो। या उल्टा भी पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है, कैसे, log 10 6 को आप log 10 2 × 3 लिख दीजिए, और फिर बाद में क्या बन जाएगा, log 10 2 प्लस log 10 3, ठीक है। जैसे मेरे को log 6 की मान लो वैल्यू नहीं पता और मेरे को जरूरत पड़ेगी log 6 की वैल्यू निकालने की, तो log 6 की वैल्यू मैं ऐसे निकालूंगा कि log 6 को मैं 2 × 3 लिख दूंगा, फिर log 2 मेरे को पता है, log 3 मेरे को पता है, मतलब 0.3 प्लस 0.5 अप्रोक्सीमेटली 0.8 मेरा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो बात। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट, इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो जो आपको आगे बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे मान लो मेरे को कोई वैल्यू निकालनी है, मेरे को नहीं पता वो वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल log 9 की मेरे को वैल्यू नहीं पता, log 9 आई डोंट नो अबाउट log 9, लेकिन मेरे को इतना पता है कि log 3 क्या होता है, तो क्या मैं log 9 को log 3 × 3 लिखूं, ये पूरा आपका लॉजिकल चीज है। और log 3 × 3 को आप क्या लिख सकते हैं, log 3 प्लस log 3, या बच्चों 2 log 3 भी तो लिख सकते हो। तो log 3 कितना होता है, अभी हमने पढ़ा approximately 0.50 होता है, तो approximately ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, समझ गए, ये प्रॉपर्टी समझ आई, log m प्लस n आपको समझ आया कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, जो हमें समझ आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 2।
आओ देखो, लोग बेस ई से समझ लें चाहे टेन से समझ लें, माइनस लोग एन। अभी मैंने प्लस बताया था ना, लोग एन प्लस लोग एन बताया था ना, अब मैं आपको बता दूं लोग एन माइनस लोग एन। लोग ई बेस एन कर लो, चाहे आप यहां पे लोग टेन एम माइनस लोग टेन एन, दोनों में से जो भी कर लो, एल एन भी लिख सकते हो आप, एल एन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बन जाएगा, लोग एम माइनस लोग एन क्या बनेगा, लोग एम अपॉन एन। चाहे ई बेस ले लो चाहे टेन बेस ले लो, लोग एम अपॉन एन बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कैसे करेंगे, लोग एम अपॉन एन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नोट करते रहे ना, फॉर्मूले का पॉज करके नोट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल लोग 10 8 माइनस लोग 10 2, क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो लोग 10 8 बाय 2 या लोग 10 4। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब लोग 10 4 अगर आपको निकालना है तो इसके लिए या तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करो, या हमारी अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 आ रही है उसका भी यूज कर सकते हो। क्या देखो, यहां तक समझ आया, लोग एम माइनस लोग एन की एप्लीकेशन समझ आ गई आपको, कैसे यूज करते हैं हम लोग, बहुत जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में इसकी। प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास जैसे लोग 10 एम पावर रेज टू 10 या लोग ई एम पावर रेज टू एन, इसको एल एन भी लिख सकते, क्या करते हैं इसके साथ एन जो है वो जंप करके आगे आ जाएगा। ये एरर्स पड़ेंगे वहां पे, बहुत जरूर पड़ेगी इसकी। एन लोग 10 एम या एन लोग ई एम, इस तरह से जो पावर है बच्चों को जंप करके आगे आ जाती है, पावर जो है वो जंप करके आगे आ जाती है। जैसे अब देखो, अब कितना आसान हो गया, मैंने बोला कि लोग 9, पहले आप 3 × 3 करते थे, अब इसको एक काम करो लोग 3² लिख दो, 2 जंप करके आगे आ जाएगा, तो बच्चों क्या आ गया 2 log 3। इसकी वैल्यू हमें पता है कैसे फाइंड आउट करी जाती है। ऐसे ही मान लो कि लोग 10 4, अभी बोला था थोड़ी देर पहले, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लोग 10 2² लिख सकते हैं, 2 जंप करके आगे आ गया तो 2 log 2। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो तीन प्रॉपर्टीज लोग के, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एम एन को लोग एम प्लस एन, एम बाय एन को लोग एम माइनस लोग एन, और लोग एम पावर रेज टू एन को एन लोग एम लिख सकते हो। समझ गए, अब चल रहे प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रॉपर्टीज बहुत हैं लोग की, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हमें कुछ ही प्रॉपर्टीज की जरूरत है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज करेंगे, हमें टिपिकल मैथमेटिक्स लैंग्वेज नहीं चाहिए यहाँ पे, हमारी फिजिक्स में काम चलना चाहिए हमारा बस। जैसे मान लीजिए कई बार आपको मिल जाता है लोग 2 2, मतलब बेस भी 2 नंबर भी 2, लोग 10 10 बेस भी 10 नंबर भी 10, लोग ई ई या इसको एल एन ई लिख सकते हैं। समझ रहे हो क्या है, लोग 2 2, लोग 10 10, लोग ई ई, एल एन ई। तो बच्चों इनकी वैल्यू होती है 1, जब बेस और मेन नंबर सेम हो जाता है तो वो वैल्यू हो जाती है 1। तो याद रखिएगा, जब बेस और मेन नंबर सेम हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, जब बेस और मेन नंबर सेम हो जाता है। तो ये हमारी थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे लोग 10 1 है बच्चों, चाहे एल एन 1 है बच्चों, इनकी वैल्यू होती है 0, इनकी वैल्यू होती है 0। चाहे लोग 10 1 है, मतलब बेस 10 के साथ 1 आ रहा है, चाहे एल एन 1 आ रहा है, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये भी आपको याद रखने जरूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को बोला गया x equal to ln 2, clear? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिखने का तरीका समझना।
मेरे को बोला गया x इक्वल टू एल एन टू, या ऐसे बोला गया, चलो ऐसे करते हैं, ऐसे ज्यादा समझ आएगा, टू इक्वल टू एल एन एक्स, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, या सिक्स इक्वल टू एल एन वाई, फाइंड वाई। अब ऐसी चीजों को कैसे सोल्व करें, इसका देखिए सिंपल सा तरीका है, मैथ्स में लोग बोलते हैं एंटी लोग, फिजिक्स में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, डिटेल में नहीं जाते, हम एक काम करते हैं, सिंपल सा तरीका है, आप इधर क्या करो, दोनों को ना e की पावर में ले चलो, e एल एन एक्स एस, दोनों को e की पावर में ले चलो, ऐसे यहां पे e सिक्स e एल एन वाई ले ले दोनों को e की पावर में। अब देखिए इस पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू है, याद रख लीजिए बहुत काम आएगा, इस पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू है e पावर रेज टू एल एन, बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहां से x आ जाता है e स्क्वायर, यहां से y आ जाता है e पावर रेज टू 6। ये लोग हटाने का तरीका है, अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर जगह से लोग को हटा दिया जाए तो आप क्या कीजिए, e की पावर में लिख दीजिए दोनों तरफ, आप चाहते हैं कि लोग यूज नहीं आना चाहिए ना, तो e की पावर में लिख दो, लोग वहां से अपने आप हट जाएगा, इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखना, ये बहुत यूज आती है फिजिक्स के अंदर, बहुत ज्यादा यूज आती है, समझ गए। लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 7, हमें कई बार लोग 10 चाहिए होता है, लोग 100 चाहिए होता है, लोग 10,000 चाहिए होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं, लोग 10 मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1 होता है, लोग 10,000। अब एक काम करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, 2 आगे आ जाएगा, तो क्या बन गया 2 लोग 10, तो आंसर क्या आ गया 2। 1000 के लिए क्या लिख सकते हैं, लोग 10 क्यूब, ये आगे आ जाएगा 3 लोग 10 3, समझ रहे हो, ऐसे गाड़ी चलती है, 10, 10, 1, 100, 2, 1000, 3, 10,000, सीधा बोल सकते, 4, 1 lakh, 5, 10 lakh, 6, समझ रहे हो। तो ये वो लोग हैं, ये वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं बेसिक मैथ्स की, जो हमें फिजिक्स में दोनों साल जरूरत पड़ेगी, चाहे हम लोग नीट में बैठ रहे हैं, चाहे जेई में बैठ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर इतना लोग तो हमें आना ही चाहिए। होप आपको लॉगरिथम के बारे में काफी नॉलेज मिली होगी, अगली वीडियो बेसिक मैथ्स के अंदर, ये हमारा एपिसोड नंबर क्या था, 8 था, एपिसोड नंबर 9 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले बेसिक मैथ्स में जो यूजफुल हैं, एंड वी विल ट्राई टू कवर अप सम फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा। हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा कि जितनी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है बेसिक फिजिक्स में, जो हमें चाहिए फिजिक्स के लिए 11th-12th की, वी विल डिस्कस दैट। ओके, तो सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब ताकि आपको वीडियोज का आइडिया लगता रहे कि नई वीडियो आ चुकी है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।